गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली में हम दो जगह से एडमिन और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हम कंपनी क्रिएशन के समय ही पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए हम एक नई कंपनी बनाते हैं और वहां पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं और यहां पर हमने कंपनी का नाम और इंटर को प्रेस करते हुए मेलिंग नेम, एड्रेस, इसके बाद स्टेट, पिन कोड। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, अगर यहां पे यूजर और पासवर्ड नहीं आ रहा है तो यहां नीचे साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। यहां नीचे साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है तो यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें टैली बोल्ड पासवर्ड को यस करेंगे और यहां पर यूजर को भी हम यस कर देंगे। इस तो यहां पर हमें यूजर और पासवर्ड के ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो ऑप्शन है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन से दिखाई दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और इन दोनों ऑप्शन को हमें यस करना है। तो यहां पे हम टैली का जो ये बोल्ड पासवर्ड है, ये स्टार्टअप पासवर्ड होता है, ये एडमिन और यूजर दोनों के लिए होगा। तो यहां पे हम इसे यस करेंगे और यहां पे पासवर्ड हम डाल देंगे और पासवर्ड हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो यहां पे 1 2 3 पासवर्ड मैंने डाल दिया। पासवर्ड हमेशा दो बार रिपीट होगा। अगर हम कंपनी में यहीं से अगर यूजर बनाना, एडमिन क्रिएट करना चाहें तो यहां पे हमें यस करेंगे और यहां पे एडमिन का नाम ABC कर दिया और इसका पासवर्ड यहीं पे डाल देंगे। और देन इंटर को प्रेस करते हुए हम तो हम गुरुकुल कंप्यूटर के लिए हमने एक टैली बोल्ड पासवर्ड और एक एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड क्रिएट किया। और यहां पे जैसे ही कंपनी आप ओपन होगा तो हमसे ये पहला पासवर्ड टैली बोल्ड पासवर्ड पूछेगा। तो यहां पे हम पासवर्ड डाल करके इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहां पे यूजर नेम पूछ रहा है और ये इस तरह टैली में हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं कंपनी बनाते समय ही। और यहां पर इन फीचर को नो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर बनी हुई कंपनी में आपको पासवर्ड या यूजर सेट करना है, अगर आपने पहले से कंपनी बना रखा है और उसमें कोई पासवर्ड सेट करना है या यूजर क्रिएट करना है या एडमिन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यहां पर कंपनी फीचर्स के अंतर्गत आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना होगा। हम आपको बता दें, अगर आपको पासवर्ड हटाना है, टैली बोल्ड पासवर्ड चेंज करना है तो यहां पर टैली बोल्ड पासवर्ड में यहां पे ओल्ड पासवर्ड और यहां पर न्यू पासवर्ड है। अगर आपने न्यू पासवर्ड में कुछ नहीं देना है तो यहां पे आपने इसको देन ओके करें और यहां पर अब यहां पे पहला वाला जो पासवर्ड हमने इसको हटा दिया है टैली बोल्ड पासवर्ड और यहां पे यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 मैंने किया और ये यहां पे हो गया। तो इस तरह हम यहां पे टैली बोल्ड से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। अब चलते हैं कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और यूजर पासवर्ड। अगर हमारे टैली में एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और
हमारे टैली के लिए अकाउंटिंग करते हैं, तो हम उनके लिए अलग अलग पासवर्ड बना देंगे, जिससे बाद में ये इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई एंट्री कोई किसी ने किया है और वो कहता है कि एंट्री हमने नहीं किया है, तो ये वहां पे आप इसको पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सा एंट्री किया है। अब हम आपको बताएंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में कैसे आप यूजर क्रिएट करेंगे। तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम यहां पे जाएंगे और यहां पर हमें यूजर एंड पासवर्ड के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यूजर और पासवर्ड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहां पे हम डाटा एंट्री ऑपरेटर और ओनर, तो सबसे पहले हम एक डाटा एंट्री ऑपरेटर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने नाम दे दिया मनीष और पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद एक मैंने ओनर क्रिएट कर लिया और यहां पे मैंने पासवर्ड हो गया। इसके बाद अब इस कंपनी में मैंने एडमिन भी क्रिएट कर लिया है और दो यूजर एक ओनर क्रिएट कर लिया है। तो यहां पे हम अब कंपनी को सेट करते हैं। अब देन उसी कंपनी को हम ओपन करेंगे सिलेक्ट ऑप्शन से। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑप्शन से उस कंपनी को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे कंपनी में यूजर नेम पूछ रहा है। तो हमने यहां पे तीन तरह के यूजर बनाए हैं, एक एडमिन और एक ओनर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम यहां पे मनीष का नाम देते हैं और इनका पासवर्ड डालते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं, तो यहां पे आप क्रिएट और कुछ ऑप्शन आपको यहां पर डिसेबल है, यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वहां पे ये सिर्फ इनको वाउचर एंट्री ही कर पाएंगे, बाकी का काम ये नहीं कर पाएंगे। फिर से हम एक बार ओनर वाले यूजर को खोलते हैं। तो यहां पर हम चेंज यूजर ऑप्शन का यूज करेंगे और यहां पे आप देख रहे हैं कि जब ये यूजर डाटा ऑपरेटर अपना लॉगिन किए हैं, तो यहां पे वो सारे ऑप्शन हट गए हैं जो यहां पे दिखाई दे रहे थे, यानी कि ये कंपनी में पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे, न कोई एडमिन क्रिएट कर पाएंगे, न कोई यूजर क्रिएट कर पाएंगे। तो हम यहां पे करेंगे यूजर को चेंज और यहां पर डालेंगे चेंज यूजर, और इस बार मैंने डाला। तो इस बार आप देख रहे हैं जब मैंने ओनर को ओपन किया तो यहां पर सारे ऑप्शन इनेबल हो गए, यानी यहां पे आप मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंटरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट होता है ओनर और डाटा ऑपरेटर में। तो दोनों अलग अलग टास्क परफॉर्मेंस करते हैं, दोनों अलग अलग का रोल है टैली प्राइम में, और लेकिन डाटा ओनर और डाटा ऑपरेटर दोनों में यहां पर जो एडमिन पासवर्ड है वो डिसेबल रहेगा, यानी कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, किसी भी कंपनी में किसी का पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अब हम एडमिन का पासवर्ड डालते हैं। तो एडमिन को पासवर्ड डालने के लिए हम चेंज यूजर में जाएंगे और अपने एडमिन को डालेंगे एडमिन का पासवर्ड। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो अब देख रहे हैं ये सब कुछ यहां पे इनेबल है और यहां पर ये ऑप्शन भी आपको दिखाई देने लगा, यानी कि जो एडमिन का रोल है कंपनी का वो पूर्णतः मेन मालिक की तरह है, और जो यूजर और डाटा ऑपरेटर है, यानी कि जो यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और ओनर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में सिर्फ वाउचर एंट्री पास कर सकते हैं, ओनर में ये मास्टर और लेजर दोनों क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेंटरी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों लोग पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम टैली में यूजर बना सकते हैं, ओनर क्रिएट कर सकते हैं और एडमिन भी बना सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको टैली में टैली बोल पासवर्ड फिर से लगाना है, तो यहां पे आएंगे और यहां पे हम टैली में पासवर्ड, ये पासवर्ड यहां पे टैली बोल पासवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये पासवर्ड शुरू में स्टार्टअप में सभी के लिए पूछेगा, यानी कि अगर आप पासवर्ड यहां पे 1 2 3 4 5 6 किया, पासवर्ड हमेशा रिपीट होता है 1 2 3 4 5 6, तो जैसे ही पासवर्ड को आप देंगे तो यहां पर ये पासवर्ड सभी के लिए
रहेगा, यानी आप किसी भी यूजर को खोलेंगे तो ये पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। और पासवर्ड आपको हटाना हो तो आपको यहाँ से फिर से जाना होगा और यहाँ से ओल्ड पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देना है, तो यहाँ से पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। और किसी भी यूजर का पासवर्ड आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप यूजर के पासवर्ड को आप ओल्ड पासवर्ड डाल करके, न्यू पासवर्ड डाल करके यूजर के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और किसी भी यूजर को आपको रिमूव करना है तो फिर से आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से उस यूजर को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह हम टैली में पासवर्ड लगा के अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के पासवर्ड क्रिएट करके उनके कार्य को भी आप वॉच कर सकते हैं।